गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दिन है शुक्रवार और षष्ठी पूजा है आज। लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाई थी कि मैं अपने बालों में मेहंदी अप्लाई की थी। नेक्स्ट डे थर्सडे पड़ गया था तो शैम्पू नहीं कर सकती थी। आज फ्राइडे है तो शैम्पू करना है। यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर ले रही हूँ, सरसों का तेल लगा रही हूँ और बकेट भी लगा दी हूँ कैन से पानी निकालने के लिए। जब तक पानी भरेगा ना तब तक मैं अपने घर भर की अच्छे से साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और मेहंदी लगाने के बाद ना बालों में सरसों का तेल ही अप्लाई किया जाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर नहा के आई तो हस्बैंड खेल के आ गए थे, तो मैं सोची कि उनको चाय वाय बना के दे देती हूँ क्योंकि पूजा में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। और फिर मैं रेडी होकर सीधे आ गई थी मैं पूजा करने। और आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। पूजा ख़त्म करने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि हल्की हल्की मुझे भी भूख लगने लगी थी। हस्बैंड तो चाय पी चुके थे, मुझे ही बस पीना था, इसलिए एक ही कप बनाई हूँ। और लेके मैं आ गई थी आराम से रूम में और आराम से तसल्ली से मैं चाय पीऊँगी, कुछ कुछ खाऊँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी फिर से किचन में खाना बनाने। और आज का खाना बहुत ही स्पेशल होने वाला है फ्रेंड्स। वैसे तो नौमी के दिन बनता है ये रेसिपी, लेकिन आप लोग के लिए मैं एक दिन पहले ये रेसिपी लेकर आ रही हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये रेसिपी हेल्पफुल हो जाए। वैसे हम लोग नवरात्रि में भी प्याज और लहसुन खाते हैं और ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बरकाया जाता है प्याज लहसुन। तो शादी के बाद होता है ना, ससुराल में जो होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। और जब मैं कभी अच्छे से नवरात्रि करूँगी ना, फास्टिंग वास्टिंग, तब मैं ज़रूर प्याज लहसुन बरकाऊँगी। फिलहाल मैं खाती हूँ। और अभी मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो बिना प्याज और लहसुन के ही बनाऊँगी। लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी कि नमक का जार टूट गया है, जो कि मैं होम सेंटर से लेकर आई थी। तो दो जार मैं कल शाम में लेकर आई फिर से। और ये होम सेंटर का नहीं है, ये मेरे सोसाइटी के जस्ट बगल में एक शॉप है, बहुत अच्छा शॉप है, वहीं से लेकर आई हूँ। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस जार की। तो चलिए चना की सब्जी बना लेते हैं। तो चना मैं डाली हूँ कुकर में और पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है ना कि चना बस अच्छे से डूब जाए, उतना ही डालना होता है। नमक डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 6 से 7 विसल के लिए बॉयल कर लेना है। एक जार और लाई थी, इसमें मैं तेज़पत्ता रख दे रही हूँ। मैं यही सोच के लाई ही थी कि एक में नमक रखूँगी और एक में तेज़पत्ता रखूँगी। साइड में तो चना बॉईल हो ही रहा है, साथ के साथ पूरी के लिए आटा लगा लेती हूँ। वैसे मैं जो बना रही हूँ ना, ये रेडी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 30 मिनट में खाना बनके हो जाएगा रेडी। तो आटा में मैं डाली हूँ थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, अजवाइन और मंगरेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसका मैं डो तैयार कर ले रही हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो पूरी के लिए डो होता है वो थोड़ा टाइट ही होता है। तो ये देखिए चना भी हमारा बॉयल हो गया। अब साथ के साथ हम बना लेते हैं हलवा, सूजी का हलवा। आप लोग समझ ही गए हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो घी डाली हूँ 2 चम्मच और साथ ही मैं इसमें डाल दी हूँ सूजी, हल्का मोटे दाने का सूजी है ये। घी मुझे कम लग रहा था तो 1 चम्मच और ऐड कर दी हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं हलवे के साथ ना, तो उसके अकॉर्डिंग घी डाल लीजिएगा। और इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे लो फ्लेम पर। और इसी स्टेज पर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे पास काजू, बादाम और किशमिश था, 3 चीज़ था, तो ये मैं डाल दी हूँ। ये डालने के बाद 2 से 3 मिनट और भुनना होता है इस तरह से। आप कलर देख लीजिए, ऐसा हो जाना चाहिए। साइड से पानी भी मैं गर्म होने के लिए रख दी थी। तो जितना सूजी होता है ना उसका 3 गुना इसमें पानी जाता है। जैसे कि अगर 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं ना तो 3 कटोरी पानी जाएगा। हल्का गाढ़ा हो गया है तो चीनी डाल दे रही हूँ। तो सूजी से थोड़ा ही कम मैं चीनी ली थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। और चीनी डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए कवर करके पकाई थी। और जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो मैं लास्ट में ऐड की हूँ इलायची का पाउडर।
सब्जी के लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो आधा चम्मच ली हूँ हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के लेना है धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे थोड़ा सा, ये कश्मीरी लाल मिर्च है एक चम्मच कलर के लिए, आमचूर पाउडर डालेंगे, चाट मसाला और गरम मसाला, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा तो बन ही गया है, साथ के साथ पूरी के लिए आटा भी लग चुका है। अब जल्दी से सब्जी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल, जीरा का फोरन, ग्रेट किया हुआ अदरक मैं डाली हूँ और दो हरी मिर्च। जब ये हल्का भून जाए तो ये घोला हुआ मसाला का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेना है। साथ के साथ मैं कसूरी मेथी ऐड कर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोग के पास ना हो ना तो स्किप कर दीजिएगा। तो मसाला अच्छे से भून गया था, बॉयल किया हुआ इसमें चना डाल देंगे, पानी के साथ ही डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि बॉयल करते टाइम ना मैं इसमें नमक ऐड की थी चना में। बस इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाना होता है कवर करके, पानी सूखने तक इस तरह से पानी सूखा लेना है एकदम। और लास्ट में मैं इसमें एक हरी मिर्च डाली हूँ और धनिया का पत्ता, करेंगे मिक्स और ये सब्जी बनके हो जाएगी रेडी। कन्या पूजन के दिन ये तीन चीज़ जरूर बनाया जाता है, पूरी, काले चने की सब्जी और हलवा। और जिस तरह से मैं बताई हूँ ना बनाने के लिए, एक बार ट्राई करके देखिएगा, 30 मिनट में सब कुछ बनके हो जाएगा रेडी। पूरी मैं हमेशा बेल के रख लेती हूँ 10 बार, उसके बाद ही इसे छानती हूँ क्योंकि अकेले ही करना पड़ता है ना। अगर बेल बेल के छानूंगी तो लेट हो जाएगा क्योंकि गर्म तेल में पूरियाँ फटाफट से एकदम निकलते जाती है। और थोड़ा सा मैं डेकोरेट भी कर दे रही हूँ, नवरात्रि चल रहा है तो ये सब तो बनता ही है। चुके हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा 10 मिनट आराम करके ही खा रही हूँ। खाना वाना बनाना तो हल्की सी स्वेटिंग होने लगती है, तो मैं थोड़ा सा फैन में बैठती हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद ही खाती हूँ। तो हस्बैंड तो खा लिए, मैं अकेले बैठ के खा रही हूँ। बहुत अच्छी बनी है चना की सब्जी, ट्राई आपको जरूर करके देखिएगा। मैं थोड़ा लाइट ऑफ करके बैठी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कैंडल जलाई हूँ ना, इसका इफेक्ट आने के लिए लाइट ऑन कर दूंगी, इसका इफेक्ट थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं लाइट ऑफ करके बैठी हूँ। बस एक लाइट जल रहा है, कोवर लाइट। रेडी होके जल्दी से मैं पूजा करने चली गई थी तो साड़ी भी नहीं दिखा पाई थी अच्छे से। तो ये जो साड़ी है ना, ये मैं अमेजोन से मंगाई थी और इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी फ्रेंड्स, और नवरात्रि के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। आप चाहें तो इसका लहंगा चोली भी बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा। एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ फ्रेंड्स, जो कि मैं अपने दूसरे बेडरूम के लिए मंगाई हूँ। और जिस रूम में अभी मैं खड़ी हूँ ना, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, जिसको मैं हमेशा टीवी वाला रूम बोलते रहती हूँ। एक्चुअली इसी में ये वाली टीवी लगी हुई है, जो पुरानी टीवी थी ना, वो टीवी इसी रूम में लगी है। और लिविंग एरिया में बड़ी वाली टीवी लगानी है, पर वो लग नहीं पा रहा है। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताई थी कि केबल कनेक्शन नहीं दिया हुआ है मेरे टीवी यूनिट में, तो वही अभी काम करना बाकी है। आज भी आया था पर आज भी काम नहीं हुआ है, ढेर सारा तार वार फैला के गया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना तार फैला के गया है वो। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब कितना, जब भी आता है तभी हमेशा कचरा फैला के जाता है। और ये देखिए वायर कैसे करके यहाँ पे इतना रख के गया हुआ है, अभी भी तार शिफ्ट नहीं हुआ है। इस वॉल से इस वॉल पे लाना है, लेकिन अभी भी ये काम नहीं हुआ है। तो सोफा आने से पहले तार का काम खत्म हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एक बार सोफा लग गया ना तो वो मेरा ही काम बढ़ जाएगा। फिर सोफा को खसकाओ इधर उधर, और जो भी रहता फैलता है सब कुछ मुझे ही समेटना पड़ता है। तो अच्छा है कि सोफा के आने से पहले ये सब जो भी हो रहा है सब हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या मंगाई हूँ। कल ही मुझे अमेजोन से रिसीव हुआ है और इसे मैं मंगाई हूँ अपने गेस्ट बेडरूम में, जिसमें हम सोते हैं। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये गेस्ट बेडरूम है, मतलब दूसरा बेडरूम है। और इस वॉल के लिए मैं वो शोपीस मंगाई हूँ, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, इधर रखा हुआ था लेकिन झाड़ू पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ। नीचे तौलिया बिछाई थी लेकिन लगता है हस्बैंड हटा दी है। तो क्या है ना कि
जब ये आया था ना तो इसकी कोटिंग थोड़ी हटी हुई थी, पेंट की कोटिंग। ये सब जो हल्का हल्का ब्लैक देख रहे हैं ना, ये ज्यादा ब्लैक था, मतलब लकड़ी दिख रहा था अंदर से, ये सब लकड़ी हल्का हल्का दिख रहा था। रात में बैठ के मैं सब पेंट वेंट की तब जाके ऐसा दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ ना कि एक कोटिंग और कर दूं। वैसे आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, और ये साइज में बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत सुंदर लगेगा वॉल पे। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लग रहा है देख के। बस एक कोटिंग और करना है फ्रेंड्स, मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। हो सकता है शाम तक भैया आए, तो वो आएंगे तो उनसे मैं काम करवा लूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा हेवी है ना कि हम लोग से नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा वेटेड है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी, इसलिए मैं इसे रिटर्न नहीं की। पेंट हट गया था फिर भी मैं इसे रिटर्न नहीं की, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। ये प्योर वुड है, प्योर लकड़ी है, और ये अच्छी क्वालिटी का शीशा है। तो चलिए सब काम मैं फटाफट से खत्म कर लेती हूँ। इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोग ये चाहिए ना तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और वैसे आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 2300, 2500, 2800 इसी रेंज में है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। शाम वाली मेरी आरती हो गई है, लंच तो मैं बनाई नहीं थी आज, क्योंकि उसी खाने से हमारा हो गया था। और दिन भर बैठ के एक मैं सीरीज़ देखी, स्पैम करके कोई सीरीज़ थी, वही देखी। और दो तीन दिन से प्लांट में पानी नहीं दी थी, तो सोची पानी दे लेती हूँ। और जब मैं पूजा करने गई थी ना शाम वाली संझा आरती, उससे पहले ही मैं चाय बैठा के गई थी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाय को लो फ्लेम पे बैठा देती हूँ और साइड से अपना काम भी करते रहती हूँ, एक साथ दो दो काम होते रहता है। हस्बैंड तो अभी भी सीरीज ही देख रहे हैं, मैं उनको बुला रही हूँ कि आ जाइए बाहर, साथ में चाय पी लेते हैं बालकनी में बैठ के। और चाय पीने के बाद मैं रेडी होके अपने सोसाइटी के पंडाल में भी जाऊँगी, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि मेरी सोसाइटी का पंडाल कितना सुंदर डेकोरेट हो रखा है। फिर से सुबह जैसा ही मौसम लग रहा है जैसे सुबह स्टार्ट किए थे ब्लॉग वैसे ही। बहुत सारा प्रोग्राम भी हो रहा था तो मैं देखने बैठ गई थी, और 9 बजे घर भी आना पड़ गया। वैसे प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ था, एक्चुअली मुझे डिनर बनाना था, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ गया। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो पहले से ही डिनर विनर की तैयारी करके जाऊंगी। तो चलिए एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोग को। बना रही हूँ बैंगन की कलौंजी, तो एक चम्मच लेना है राई, 1.5 चम्मच धनिया, 15 से 16 लहसुन लेंगे, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और 4 से 5 गुलकी, चिकना पीस लेना है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और एक छोटे साइज का प्याज जाएगा इसमें, और प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना पीसा हुआ ये मसाला, और साथ के साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और साथ के साथ स्वाद के अनुसार नमक। और मैं रायता ये फैला दी चलाने के चक्कर में। और जब ये 50% हो जाए मसाला ना, तभी हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए बैंगन को काटना कैसे होता है, तो इस तरह से 4 पार्ट में इसे काटेंगे, चेक जरूर कर लीजिएगा, कीड़े निकल जाते हैं। और डंठल के साथ ही इसे पकाना होता है फ्रेंड्स, खाते टाइम डंठल को चू चू से खाने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है। साइड से मैं चावल बैठा दी हूँ, और हल्के हाथ से चलाइएगा बैंगन को ताकि ये टूटे ना, हल्का ड्राई लग रहा है मसाला, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। 1 टमाटर ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा सब्जी, चेक जरूर कर लीजिएगा बैंगन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, खाना तो मेरा बन गया, अब हम खाना खाने वाले हैं। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ। होप कि आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।